हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हमारे पास एक स्मार्ट वॉच आई है और ये है वो चार्ज नहीं हो रही है और ना ही ये ऑन हो रही है, ना ही कोई वर्क कर रही है। मैं आपको चार्ज लगा के दिखाता हूँ। और देखिए, ना ही ये चार्ज करती है, ना ही चार्जिंग शो करती है। ये देखिए, चार्जिंग लगा हुआ है। ये देखिए, मैं बंद कर बात करता हूँ, बिल्कुल भी चार्ज नहीं कर रही है। तो दोस्तों, मैंने एक नया जुगाड़ बनाया ऐसे कि ऐसे आप अपनी वॉच को ऑन कर सकते हैं। देखिए, मैं इसको ऑन करने की कोशिश करता हूँ, ये ऑन नहीं हो रही है। तो मैंने एक जुगाड़ बनाया जैसे आप अपनी इसको वॉच को ऑन कर सकते हैं। तो थोड़ा सा मैं आपको दिखाता हूँ। तो मैंने एक केबल ली है, देखिए, कोई भी आप केबल बाय कीजिए। आगे से मैंने इसको यहाँ पे कट कर लिया। इसको यहाँ पे कईयों में यहाँ पे आपको टू वायर्स देखने को मिल जाएंगे, कईयों में फोर मिल जाएंगी। इसमें टू वायर्स वाली आप मैंने वायर ली है, ठीक है। कोई भी आप डुप्लीकेट भी वायर ले सकते हैं, केबल यूएसबी केबल ले सकते हैं। सिर्फ हमने इसमें करंट लगाना है, ठीक है। तो हमने क्या करना है, इसमें ये वॉच जैसे कि मैंने इसको चार्ज लगाया हुआ है, ये देखिए, मैं दोबारा दिखाता हूँ आपको, ये चार्ज नहीं हो रही है, ये देखिए। तो हम ऐसे दिखाते हैं आपको कैसे इसको चार्ज करते हैं, ठीक है। इसको हम वायर को निकाल देते हैं, वायर को निकाल दिया। मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ कि आपने कैसे लगाना है। तो सबसे पहले क्या करना है आपने, से कि ऐसे मैग्नेट लग जाता है वॉच में, तो दो वायर आपको देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। ध्यान रखें, जैसे जब आप ये जो यूएसबी केबल है चार्जर में लगाएं, ये दोनों वायर्स आपस में टच ना हो, क्योंकि इसमें जो है आपकी वायर और आपका अडेप्टर है वो सड़ सकता है, ठीक है। इसका आप जरूर ध्यान रखना। कई क्या करते हैं ऐसे कि ऐसे लगा के इसमें टेप लगा देते हैं। मैं आपको लगा के दिखाता हूँ, बट इसमें टेप लगाने की ज़रूरत नहीं है। कहीं में टेप लगा के ऐसे छोड़ना पड़ता है, ऐसे कुछ करना पड़ता है, इसको ज़रूरत नहीं है। मैं आपको एक बेस्ट तरीका आपको सजेस्ट करता हूँ कि कैसे आपने ये वायर है वो लगानी है। जैसे कि ऐसे आप एक बार इसको चेक ऐसे लगा के, इसमें आपने ऐसे कि ऊपर मैंने वायर रख दी है, इसमें प्रॉपर आ गई है। इसमें क्या होता है, मैगनेट लगे होते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। इसको मैं रखूँगा ऐसे, ये अब हो जाएगा, ठीक है। इसमें हम वायर दोनों लग गई हैं, ये देखिए वायर अटैच हो गई है दिन में, ठीक है, ये देखो। उसके बाद जो ये वाली वायर है, जो हमारी केबल में यहाँ पे, ये देखिए केबल वाली वायर है, ये हमने अपने जो है अडेप्टर में लगा देते हैं हम, ठीक है दोस्तों। मैं अभी अडेप्टर में जो है वायर है वो लगा देता हूँ, अभी हम अडेप्टर में लगा देते हैं। मैं एक मिनट इसका बटन है वो ऑन करता हूँ, एक मिनट का ध्यान रखना, अभी बटन ऑन नहीं करना हमने, क्योंकि ये यहाँ पे आपने ज़रूर फोकस करना है कि यहाँ पे जो हम घुमाएंगे इस वॉच को, तो ये है क्या होगा जगह कि ये आपस में टच ना कर जाएं, ये ध्यान रखना होगा आपने। इसको मैं बटन ऑन करता हूँ, आपने चेक करना है कि देखिए दोस्तों, आप देखिए चेक कीजिए, हमारी वॉच है वो ऑन हो चुकी है, ये देखो, वो देख सकते हैं आप, ये देखो ऐसे ही हमने वॉच है अपनी ऑन कर ली है। ऐसे आप अपनी वॉच है वो ऑन कर सकते हैं, ये देखो, आपस में दोनों वायर्स टच ना करें दोस्तों। मैंने इसको अभी क्या करते हैं, हम 5 मिनट इसको चार्ज होने लगाते हैं, क्योंकि यहाँ पे ऐसे हम करते हैं तो वायर आपस में जुड़ जाती हैं। थोड़ा सा मैंने इसको दोबारा निकाल के दोबारा लगा दी, क्योंकि आपस में थोड़ी सी वायर जुड़ गई थी, जुड़नी नहीं चाहिए आपकी वायर, ध्यान रखना है आपने, ऐसे आपस में ना जुड़ें, क्योंकि चार्जर अडैप्टर और आपकी वॉच है सबसे पहले ख़राब होगी। इसको हम 5 मिनट चार्ज होने देते हैं, 5-10 मिनट, फिर हम आपको दिखाते हैं। 5 मिनट हो चुके हैं, मैं इसको बंद कर देता हूँ, वॉच को, बटन को बंद कर देते हैं। तो मैंने इसमें ऑन कर देते हैं इसको, ये देखिए ऑन हो गई है। अभी हम देखते हैं इसका चार्जर कितना है, वॉच हमारी ऑन हो गई है, देखिए, ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए 50% से ज़्यादा ये चार्ज हो चुकी है। मैं आपको दोबारा लगा के चेक करवाता हूँ कि कैसे चार्ज हो गई, ये डेड पड़ी थी वॉच, और मैंने यहाँ पे, मैं आपको दोबारा लगा के चेक करवा देता हूँ अभी,
ये कैसे ये वॉच है वो। कई बार आपने क्या करना होता है, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। कई बार में दोस्तों क्या होता है कि कई बार ये वायर हम लगाते हैं वो काम नहीं करती हैं, उसको आपने क्या करना है, इसको ऐसे पलटा के भी लगा सकते हैं आप, ठीक है। कई बार ये काम दोनों साइड में भी काम कर जाती है, कई बार ये कलर पे भी काम ऐसे भी काम कर जाती है, कई बार ये ऐसे भी काम कर जाती है। कईयों में उसमें मन प्लस माइनस का जो देखना पड़ता है, ठीक है, उसी हिसाब से आपको लगानी पड़ेगी वायर, ठीक है। मैं आपको लगा के चक दवा करवा कर दिखाता हूँ। आपने ध्यान रखना है, 1 मिनट, मैं अभी स्विच ऑन नहीं किया है, ये आपने ध्यान रखना है कि ये आपस में जो वायर है टच ना हो, ठीक है। अभी मैं इसका जो है बटन है वो ऑन करता हूँ, ये मैं आपको 1 मिनट दोस्तों, मैं अपना स्टैंड ये देखिए, मैं अभी आपका बटन है वो ऑन करता हूँ। कनेक्टेड, यहाँ पे चेक करो, 1 मिनट में अभी आपको चेक करवाता हूँ। वो देखो दोस्तों हमारी वॉच है वो चार्ज लग रही है, ये देखो देख सकते हैं चार्ज हो रही है आप, ठीक है। ऐसे अपनी वॉच को ऑन कर सकते हैं। कई बार है इसमें प्रॉब्लम यही इशू आ रहा होता है, इस वजह से आपकी वॉच है वो ऑन नहीं होती। बहुत बारीक सी बारीक इसमें वायर होती हैं, बिल्कुल बारीक वायर होती है, बिल्कुल भी आप इसमें जो क्रैक हो जाके टूट जाती है, इसमें कनेक्शन बंद हो जाता है इस वायर में, तो ये वायर आप या फिर चेंज कर लो, नहीं मिल रही तो ऐसे आप जुगाड़ कर लो, ये सबसे बेस्ट है। वैसे तो ये वाली वायर अब मिलती नहीं है, एक्स्ट्रा वायर नहीं आती हैं, इस वजह से मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे कि मैं इसको बटन को बंद कर देता हूँ, देखो बंद हो जाएगी ये, रिमूव्ड कनेक्टेड,